हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात ना करके एक समस्या के बारे में चर्चा करेंगे, और मैं इसमें इस आपको बताऊंगा कुछ इजी टिप्स जिससे कि आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो जो समस्या है वो ये कि जब भी हम कभी पढ़ने बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती है, हम टीवी देखते हैं तो हमें नींद नहीं आती, हम अगर फ़ोन चलाते हैं तब भी हमें नींद नहीं आती, लेकिन अगर हम कोई किताब लेके बैठ जाते हैं तो हमें जल्दी नींद आ जाती है। तो इसका क्या कारण है ये भी हम जानेंगे, और जानेंगे इसका समाधान क्या है। तो अगर हम बात करें नींद की, तो नींद जो है ये प्रकृति के द्वारा मनुष्य को दिया गया एक अनमोल तोहफा है, जिसे हम ना तो नज़रअंदाज कर सकते हैं और ना ही ज़रूरत से अधिक ले सकते हैं। ज़रूरत से अधिक लेने पर हमें इस पे कई प्रकार की समस्या होती है, और अगर हम ज़रूरत से कम नींद लेते हैं तो भी हमारे लिए ये काफ़ी हानिकारक होता है। हाल ही में हुए एक सर्वे से ये पता चला है कि 90% जो हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं वो इस कारण इसके शिकार होते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं। भारत के जाने माने डॉक्टर हैं डॉक्टर त्रिहान, उनका मानना ये है कि जिस तरीके से विद्यार्थियों को विषयों का ज्ञान दिया जाता है उसमें एक अन्य विषय भी शामिल करना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट का, यानी स्ट्रेस का जो मैनेजमेंट होता है वो एक स्टूडेंट किस प्रकार से करेगा उसे इसको सिखाया जाना चाहिए, ताकि वो अपने जो माइंड होता है उसको वो ठीक से उन्हें ट्रेंड कर सके। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि नींद हमारे जो दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी होती है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं और तब अगर नींद आती है तो ये उपयोगी ना हो करके एक बाधा का काम करती है जो हमें पढ़ने नहीं देती। तो क्या चीज़ ऐसी होती हैं जिससे कि हमें पढ़ने के दौरान नींद आती है, उसका हम हल अभी आगे निकालते हैं। तो जो पहली चीज़ है जो हमारे पढ़ने में बाधा बनती है वो होती है लाइटिंग। तो कीप योर स्टडी रूम वेल लाइटेड। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपका जो कमरा है उसके चारों ओर लाइट जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए। अगर लाइट स्लो होगी या फिर डिम होगी तो इससे क्या होगा कि आपकी आंखें पढ़ते थोड़ा सा आप जैसे पढ़ेंगे आंखें थक जाएंगी और फिर आपको नींद आ जाएगी। तो इस तरीके से लाइट का होना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप पढ़ रहे हैं तो। दूसरा है आप किस तरीके से पढ़ते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो लेट लेट के पढ़ना पसंद करते हैं, कई जो होते हैं वो चल के पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन जो पढ़ने का एक कह सकते हैं कि पोजीशन होती है वो होती है एक चेयर पर बैठकर टेबल के ऊपर पढ़ना। तो जब हम अपना एक पोज बनाकर या फिर एक कह सकते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट बनाकर हम किसी जगह पर पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होता है बजाय लेट के पढ़ने से। लेट के पढ़ने से हमारी बॉडी को रेस्ट मिल जाता है और रेस्ट मिलने से हम सो जाते हैं ना कि पढ़ते हैं। तो हमारे को एक कह सकते हैं कि एक बैठने की एक स्थिर जगह होनी चाहिए जहां हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो चीज़ होती है अवॉइड हैवी मील्स, मतलब कि हम लोग ज़रूरत से जो अधिक खाना खाते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमें नींद को लाने में काफ़ी सहायता कर देता है। तो अगर हम लोग एक स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको भी अपने जीवन में कम या पर्याप्त खाना खाना चाहिए, ना कि ज़रूरत से अधिक, क्योंकि यदि हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है काफ़ी हैवी हो जाती है और हमारे जो माइंड होता है उससे जो ऑक्सीजन आता जाता रहता है वो रुकने लग जाता है, और ऑक्सीजन रुकने से हमें नींद जल्दी आ जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें खाना पर्याप्त ही खाना चाहिए, ना कि ज़रूरत से ज़्यादा। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर ड्यूरिंग स्टडी, मतलब कि जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें एक से आधे घंटे के बीच में ज़रूर पानी पीना चाहिए। पानी जो है वो हमारे मस्तिष्क को रिफ़्रेश करने का काम करता है, हमारे ब्रेन को रिफ़्रेश करता है। रिफ़्रेश होने से इससे क्या होता है कि हमें जल्दी नींद नहीं आती और हमारा माइंड प्रॉपर काम करता रहता है, और हम जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है पढ़ाई में वो भी बना रहता है। तो हमें पानी ज़रूर पीना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है ईजी टू बेड, आई मीन अर्ली टू बेड एंड ईजी टू राइज। अर्ली टू राइज है लेकिन हम इसे ईजी टू राइज भी कहेंगे, क्योंकि अगर हम लोग जल्दी सोते हैं तो उसका फ़ायदा होता है कि हम उसे जल्दी उठते भी हैं। तो हमें आदत बनानी चाहिए कि हम एक समय में सोएं और एक पर्टिकुलर टाइम में उठें। हमें ये 1 से 2 महीने अगर हम लोग इसको फॉलो करते हैं तो कुछ समय पश्चात हमें ये आदत पड़ जाती है। अगर आप लेट सोएंगे तो आप लेट उठेंगे, और अगर आप लेट उठेंगे तो फिर
तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। तो आप एक टाइम शेड्यूल बनाइए कि आपको किस समय सोना है और किस समय उठना है। आपको फिर जब आदत पड़ जाएगी तो आप इजीली आप इसको फॉलो भी करने लग जाएंगे। तो ये भी एक हैबिट बनाना बहुत ज़रूरी है। अर्ली टू बेड ऑन एंड अर्ली टू राइज। रीड आउट अलाउड वाइल स्टडिंग, मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश ये करें कि मन में ना पढ़ें, आप उस चीज़ को थोड़ा सा लाउड होके पढ़ें ताकि आपकी जो बॉडी है वो मूव करते रहे। अगर बॉडी मूव करेगी तो आपको नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी तो आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं। तो कोशिश ये करें पढ़ने के दौरान कि थोड़ा सा आवाज़ से बोल बोल कर पढ़ें। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि राइट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो कोशिश करें कि 80% उसको लिखने का बजाय पढ़ने की, 20% आप पढ़िए और 80% कोशिश ये करिए कि मेन मेन जो पॉइंट्स होते हैं उसको आप लिखें। इसमें भी आपकी बॉडी मूव होगी और आपको नींद नहीं आएगी, और आपका जो टॉपिक है वो आपको बाकायदा अच्छी तरह समझ भी आएगा। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी उस पॉइंट्स को लिखते भी रहें। टेकिंग शॉर्ट ब्रेक, मतलब कि अगर आप पढ़ रहे हैं और अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे और आपको नींद भी आ जाएगी। तो कोशिश ये करें कि आप आधे घंटे या फिर एक घंटे में छोटा छोटा ब्रेक ज़रूर लें। ब्रेक लेने में आप कोई गाना सुन सकते हैं इस ब्रेक में, या फिर कॉफ़ी पी सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। ब्रेक से आपका माइंड भी रिफ़्रेश होगा और आप लंबे समय तक पढ़ेंगे भी। तो कोशिश करें कि आप पढ़ाई के दौरान छोटा छोटा ब्रेक लें, और उस ब्रेक में अपने आप को एक गिफ्ट भी दें, चाहे वो गाने का हो या फिर किसी भी चीज़ का। ये कुछ टिप्स थी, आशा करता हूँ ये आपको काफ़ी सहायता करेंगी, एंड आई एम श्योर अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।